दशमी के बाद पूरे भारत में दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में एक गांव ऐसा भी है जहां 157 वर्षों से दशमी के दिन नहीं बल्कि इससे अगले दिन एकादशी पर रावण दहन होता है। यह जिला फतेहगढ़ साहिब का गांव चनार्थल कला है। जिले के सबसे बड़े इस गांव का इतिहास सदियों पुराना है। करीब 7000 की आबादी वाले इस गांव के दशहरे की अलग पहचान और मान्यता है। गांव में दशहरा मनाने की तैयारियां सवा महीने पहले शुरू कर दी जाती है, तो वहीं गांव की रामलीला कमेटी श्री हनुमान जी के झंडा मार्च से इसकी शुरुआत की जाती है और हनुमान मंदिर में झंडा लगाकर दशहरा पर्व की तैयारियां शुरू की जाती है। इस रात से गांव में झांकियां निकल जाती हैं। इन झांकियों में श्री रामायण के मुख्य अंश शामिल होते हैं। नवमी के दिन से खेल मेले की शुरुआत की जाती है। जिस जगह पर रावण दहन होता है वहां के चौक में 157 वर्षों से ही कुंभकर्ण का सीमेंट का पुतला भी बना हुआ है। इसके बनाने का मकसद गांव के इतिहास को सदैव लोगों के सक्षम रखना है। लखनऊ राजधानी में रफ्तार का कहर बरकरार है। तेज रफ्तार दो ट्रक की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में मौके पर एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, अनियंत्रित होकर आलू और गेहूं से लदे ट्रक में जा घुसा। शाहजहांपुर से गेहूं लादकर बिहार के सिवान जिले जा रहा था ट्रक। ट्रक ड्राइवर का शव ट्रक के अगले हिस्से में फंसा। मौके पर पहुंची पुलिस शव को बाहर निकाला। वहीं लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण एक्सीडेंट में तीन ट्रक आपस में भिड़ गए। सुशांत गोल सिटी थाना के करीब कानपुर से आने वाली शहीद पथ पर खराब ट्रक के आगे खड़ी ट्रक टोचिंग कर रहे थे। वहीं स्पीड में पीछे से आ रही ट्रक उस ट्रक में जा टकराई, जिसमें खराब ट्रक में बैठे एक व्यक्ति की मौत और चार लोग घायल हो गए, तो वहीं ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग में फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को लोहिया अस्पताल भेजा।